मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, नाउ स्टार्ट योर क्लास। ज्योग्राफी का 6th चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपन। 15th चैप्टर तक कंप्लीट हो चुका था आपका। तो 6th चैप्टर का नाम है ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बारे में इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। यू हैव लर्न दैट अर्ली ह्यूमन बीइंग डिपेंडेंट एंटायरली ऑन नेचर फॉर फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। सभी जानते हैं और अपन पिछली क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं कि जो ह्यूमन है वो किसी ना किसी तरह से नेचर्स पर डिपेंड है, चाहे वो फूड हो, चाहे वो क्लॉथ के लिए डिपेंड हो या फिर शेल्टर के लिए। बट विद टाइम दे लर्न न्यू स्किल टू ग्रो फूड, बिल्ड अ होम एंड डेवलप बेटर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इन दिस वे दे मॉडिफाइड द एनवायरनमेंट वेयर दे लाइव। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे ह्यूमन ने अपने आप में भी चेंजेस किए और चेंजेस आते गए डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। तो उसका जो फूड के ग्रो करने का तरीका था वो भी चेंज हुआ। पहले होम नहीं हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे करके उसने घर बनाना शुरू किए। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट के भी पहले कोई भी साधन नहीं हुआ करते थे, कोई भी सोर्सेज नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे ह्यूमन ने डेवलपमेंट करना जब शुरू किया तो जो ट्रांसपोर्ट के हैं और कम्युनिकेशन के हैं वो भी बहुत से सोर्स हम बढ़ते चले गए और डेवलपमेंट काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। तो आता है सेटलमेंट। सेटलमेंट क्या है? तो सेटलमेंट्स आर प्लेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। सेटलमेंट उस प्लेस को कहा जाता है जहाँ पर कि ह्यूमन अपना घर बनाता है रहने के लिए, ऐसा प्लेस सेटलमेंट कहलाता है। अर्ली ह्यूमन बींग लाइव्ड ऑन ट्रीज एंड इन केव्स। पहले के टाइम में जो लोग हुआ करते थे वो कहाँ पर रहते थे? या तो पेड़ों पर या फिर गुफाओं में रहते थे। वेन दे स्टार्टेड टू ग्रो इट ग्रो क्रॉप्स इट बिकेम नेसेसरी टू हैव अ परमानेंट होम। लेकिन जब उसने फसल को उगाना शुरू किया या फसल उत्पादन शुरू किया तो उसको एक परमानेंट घर की भी ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ पर वो फसल उगाएगा तो वहाँ पर उसको रहना भी पड़ेगा। तो उसको वहाँ पर समझ में आया कि यहाँ पर परमानेंट होम की भी ज़रूरत है। द सेटलमेंट्स ग्रो नियर द रिवर वैली एज वाटर वाज अवेलेबल एंड लैंड वाज फर्टाइल। फिर उसने सोचा कि ऐसा सेटलमेंट बनाया जाए जहाँ पर कि वाटर भी इजीली अवेलेबल हो जाए ताकि क्रॉप में दिक्कत ना आए और जो वहाँ की लैंड है वो फर्टाइल भी हो। विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ह्यूमन सेटलमेंट बिकम लार्जर। सेटलमेंट फ्लोराइज एंड सिविलाइज डेवलपमेंट नियर रिवर वैली। एवरी सेटलमेंट्स नीड अ सोर्स ऑफ वाटर। जहाँ पर भी सेटलमेंट्स रहता है तो वहाँ पर वाटर की ज़रूरत होती है। वो पानी के बिना तो कोई भी नहीं रह सकता। जैसे कि फसल के लिए भी ज़रूरी है तो इंसान के लिए भी ज़रूरी है पानी। सो द फर्स्ट सिटीज लाइक दोज ऑफ मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड द इंडस वैली डेवलप्ड नियर रिवर। ये जो सिटीज थी ये सब रिवर के पास में बनाई हुई थी। उनका सेटलमेंट रिवर के पास था। वेयर वाटर वाज अवेलेबल इन प्लेंटी, जहाँ पर कि वाटर इजीली अवेलेबल हो जाता था। अब आता है ट्रांसपोर्ट। तो पहले के टाइम में आपको पता ही कि ट्रांसपोर्ट के कोई भी साधन नहीं हुआ करते थे। कहीं पर भी जाने के लिए इंसान पैदल 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 जाता था तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता था। और जो चीज़ जब होनी चाहिए जल्दी होनी चाहिए तो नहीं हो पाती थी क्योंकि पैदल पैदल जाना होता था। या फिर ट्रांसपोर्ट के लिए और भी चीज़ों का यूज़ होता था जो कि टाइम कंज्यूमिंग थी। तो ट्रांसपोर्ट जैसे जैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ तो ट्रांसपोर्ट के भी और कम्युनिकेशंस के भी न्यू सोर्स आए तो उनसे टाइम की भी अपन के पास में बचत हुई। ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स द वेरियस मीन्स वाई विच पीपल एंड गुड्स कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओरिजिन ऑफ ट्रांसपोर्ट। इनिशियली शुरुआती टाइम में द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स वाज अ टाइम कंज्यूमिंग एंड ट्रिप प्रोसेस डिस्टेंस हैड टू बी कवर्ड ऑन फूट। जैसा कि मैंने बताया कि पैदल ही डिस्टेंस को कवर करते थे पहले के लोग। एंड पीपल हैड टू कैरी देयर ओन गुड्स। लेटर ऑन डोमेस्टिकेटेड एनिमल कैन टू बी यूज एज मीन टू ऑफ ट्रांसपोर्ट। और कुछ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं जिनका यूज़ वो ट्रांसपोर्ट के लिए करता था। दिस प्रैक्टिस कंटिन्यू एवरी डे। और ये काम जब तक वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते तब तक वो चलते ही रहते थे, चलते रहते, जहाँ थक जाते वही आराम करने लग जाते थे। तो ये टाइम कंज्यूमिंग था ये सब कुछ।
दिस प्रैक्टिस कंटिन्यू एवरी टू डे स्पेशली इन प्लेस दैट कैन नॉट बी रीच्ड बाय मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द टिबेटन हाउस हाईलैंड्स फॉर एग्जांपल योक आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट गुड एंड पीपल योक का यूज भी ट्रांसपोर्ट के सोर्स के रूप में भी किया जाता था आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द व्हील तो जब व्हील की इन्वेंशन हुई तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव और जो ट्रांसपोर्ट है वो इम्प्रूव हुआ उसमें सुधार हुआ ट्रांसपोर्ट में एंड ग्रेजुअली बिकम मैकेनाइज्ड हाउ वी हैव स्पीडी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच अ ट्रेन मोटर कार एंड एयरप्लेन्स टुडे अ जर्नी फ्रॉम कोलकाता टू चेन्नई विच वुड टेक मेनी मंथ बाय एनिमल ड्राइवर कार टू टेक लेस द 30 आवर्स बाय रेल और रोड एंड अबाउट 2 आवर्स बाय प्लेन यानी कि अगर अपन को कोलकाता से चेन्नई के लिए अगर अपन को ड्राइव करना है तो अपन किसी एनिमल्स के थ्रू करेंगे एनिमल्स कार्ड के थ्रू करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा अपन को और अगर रेल से करते हैं या रोड से के थ्रू अपन जाते हैं तो उसमें 30 आवर्स लगते हैं कि अप्रोक्स टाइम बताया गया है लेकिन जो प्लेन है उसमें 2 आवर्स ही लगते हैं तो इस टाइप से जो ट्रांसपोर्ट है वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ है अब रोडवेज आता है तो गुड रोड्स आर एन ट्रिगर पार्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड फॉर डेवलपमेंट इन एनी कंट्री रोड्स में भी मेटल एंड अनमेटल डेवलपिंग अपॉन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन अ कंट्री किसी भी कंट्री के डेवलपिंग लेवल पर डिपेंड करता है कि वहाँ की रोड मेटल है या अनमेटल है ट्रेवल्ड बाय रोड हैज डिफाइनेट एडवांटेज ओवर ट्रेवल बाय सी और एयर जैसे सी और एयर से अगर अपन सी वाला रूट चुनते हैं या एयर यानी एरोप्लेन वाला ही कोई रूट चुनते हैं तो उसके थ्रू अगर ट्रेवल करेंगे तो वो ट्रेवलिंग अलग होगी और रोड के थ्रू ट्रेवल करेंगे तो वो ट्रेवलिंग अलग होगी सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है टाइम का भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है एडवांटेज आर एज फॉलोस फर्स्ट है आपका रोड्स कैन कनेक्ट एंड सेंड गुड्स टू द डोर स्टेप यानी कि डायरेक्ट घर तक यानी जो डोर स्टेप वहाँ तक पहुँचाती है रोड्स आर इजी टू मेंटेन रोड्स को मेंटेन करना भी इजी है रोड्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड विथ रिलेटिव ईज थ्रू फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स फॉरेस्ट और माउंटेन्स पर भी इजीली ये कंस्ट्रक्ट की जा सकती है इसी टाइप से आपका आता है रेलवेज रेल के किस तरीके से रेलवे के थ्रू अपन कोई भी डिस्टेंस आप इजीली कवर कर सकते हो वाटरवेज भी आपको पता ही है कि जो कि वाटरवेज कौन सा होता है जहाँ पे अपन जहाज के थ्रू जाते हैं है ना वाटरवेज के इलाके उसके बाद में आता है एयर ट्रांसपोर्ट रेल ट्रांसपोर्ट यानी कि वो एरोप्लेन ये एयर ट्रांसपोर्ट का सोर्स हो गया ये ट्रांसपोर्ट का सोर्स हो गया एक एयर ट्रांसपोर्ट है ना तो इस चैप्टर में यही दिया हुआ है सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन कि ये किस टाइप से पहले हुआ करते थे यानी अर्लियर टाइम में क्या था और अब आज के टाइम में क्या है ये बताया गया है उसकी इम्पोर्टेंस बताई गई है तो इसकी जो एक्सरसाइज है वो PDF के थ्रू मैं आप तक पहुंचा दूंगी और कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं तो या तो टिक मार्क करूंगी या फिर सेल्फ राइट किए हुए आपके पास PDF के थ्रू पहुंचाएंगे तो आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं अपन न्यू वीडियो में न्यू चैप्टर्स के साथ तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे